वफाकी काबीना के लिए 19 नाम फाइनल। वजीर आजम ने फहरिस्त सदर को भिजवा दी। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर, अमीर मकाम, अता तारड़, ओवैस लगारी, राना तनवीर के नाम शामिल। अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, जाम कमाल, चौधरी सालिक हुसैन, कैसर शेख, रियाज पीरजादा भी काबीना का हिस्सा होंगे। इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक को वजीर और शेजा फातमा को वजीर मुमलिकत बनाने की तजवीज़। फहरिस्त में मोहम्मद औरंगजेब, अहद चीमा, मोहसिन नकवी के नाम भी शामिल। तीनों अफराद को मुशीर बनाने की सिफारिश। दर्जा वफाकी वजीर के बराबर होगा। काबीना अरकान सुपहर 3 बजे हलफ उठाएंगे। पहला इजलास शाम 5 बजे तलब। सदर का मनसब संभालने के बाद आसिफ अली जरदारी के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर मुसल्ला फाज के दस्ते ने सलामी दी। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर और आसफा की भी शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी बग्घी में सवार होकर तकरीब में पहुंचे। सैनेट के 52 अरकान मुद्दत मुकम्मल होने पर आज रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने वालों में मुस्लिम लीग नून के 11 सैनेटर्स शामिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 13 सैनेटर्स की मुद्दत भी मुकम्मल। तहरीक इंसाफ के 7 सैनेटर्स भी आज रिटायर हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत का असम्बली से कलील मुद्दती बजट की मंजूरी लेने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा खजाना को तैयारी की हिदायत कर दी। 30 जून तक के बजट की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब असम्बली इजलास अगले हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान। जजेस का नाम लेकर FIA ने सहाफियों को नोटिस भेज दिए। आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके अपना काम निकाल रहे हैं, क्या हम अदलिया को बदनाम करने पर FIA के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं? सहाफियों को हिरासत किए जाने के खिलाफ केस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। मजीद कहा कि ISI का नुमाइंदा JIT में कैसे शामिल हो सकता है? कानून का नफाज ISI का दायरा इख्तियार नहीं। नॉर्थ कराची में पावर हाउस चौरंगी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जहां भाग, ड्राइवर फरार। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पेशावर बोर्ड बाजार धमाके में अहम पेशरफ, जख्मी दहशतगर्द को होश आ गया। निशानदेही पर 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। CTD और पुलिस का रात गए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, तहकीकात जारी। रमजान में खरीदारी जेब पर भारी। सब्जी, गोश्त, फल, खजूर सब पहुंच से दूर। केला 200 रुपए दर्जन, खरबूजा 200 और सेब 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। अंडों और चिकन के दाम भी आसमान पर। सस्ते बाजारों में भी महंगाई के डेरे। इफ्तारी कैसे होगी? हुकूमत कुछ तो सोचे, शहरियों की दुहाई। पाकिस्तान में पहला रोजा कल होगा। आज चांद नजर आने का कवी इम्कान। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पिशावर में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने पूरे मुल्क में एक ही दिन रोजा होने की नवीस सुना दी। वफाकी काबीना के लिए 19 नाम फाइनल। वजीर आजम ने फहरिस्त सदर को भिजवा दी। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर, अमीर मकाम, अता तारड़, ओवैस लगारी, राना तनवीर के नाम शामिल। अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, जाम कमाल, चौधरी सालिक हुसैन, कैसर शेख, रियाज पीरजादा भी काबीना का हिस्सा होंगे। इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक को वजीर और शेजा फातमा को वजीर मुमलिकत बनाने की तजवीज़। फहरिस्त में मोहम्मद औरंगजेब, अहद चीमा, मोहसिन नकवी के नाम भी शामिल। तीनों अफराद को मुशीर बनाने की सिफारिश। दर्जा वफाकी वजीर के बराबर होगा। काबीना अरकान सुपहर 3 बजे हलफ उठाएंगे। पहला इजलास शाम 5 बजे तलब। सदर का मनसब संभालने के बाद आसिफ अली जरदारी के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर मुसल्ला फाज के दस्ते ने सलामी दी। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर और आसफा की भी शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी बग्घी में सवार होकर तकरीब में पहुंचे। सैनेट के 52 अरकान मुद्दत मुकम्मल होने पर आज रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने वालों में मुस्लिम लीग नून के 11 सैनेटर्स शामिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 13 सैनेटर्स की मुद्दत भी मुकम्मल। तहरीक इंसाफ के 7 सैनेटर्स भी आज रिटायर हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत का असम्बली से कलील मुद्दती बजट की मंजूरी लेने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा खजाना को तैयारी की हिदायत कर दी। 30 जून तक के बजट की मंजूरी ली जाएगी।
पंजाब असेंबली इजलास अगले हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान। जजेस का नाम लेकर FIA ने सहाफियों को नोटिस भेज दिए। आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके अपना काम निकाल रहे हैं, क्या हम अदलिया को बदनाम करने पर FIA के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं? सहाफियों को हिरासत किए जाने के खिलाफ केस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। मजीद कहा कि ISI का नुमाइंदा JIT में कैसे शामिल हो सकता है? कानून का नफाज ISI का दायरा इख्तियार नहीं। नॉर्थ कराची में पावर हाउस चौरंगी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जहां भाग, ड्राइवर फरार। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पेशावर बोर्ड बाजार धमाके में अहम पेशरफ, जख्मी दहशतगर्द को होश आ गया। निशानदेही पर दो मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। CTD और पुलिस का रात गए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, तहकीकत जारी। रमजान में खरीदारी जेब पर भारी। सब्जी, गोश्त, फल, खजूर सब पहुंच से दूर। केला 200 रुपए दर्जन, खरबूजा 200 और सेब 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। अंडों और चिकन के दाम भी आसमान पर, सस्ते बाजारों में भी महंगाई के डेरे। इफ्तारी कैसे होगी, हुकूमत कुछ तो सोचे, शहरियों की दुहाई। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। आज चांद नज़र आने का कवी इम्कान। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने पूरे मुल्क में एक ही दिन रोज़ा होने की नवीस सुना दी। नॉर्थ कराची में पावर हाउस चौरंगी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जहाँ भाग, ड्राइवर फरार। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पेशावर बोर्ड बाजार धमाके में अहम पेशरफ, जख्मी दहशतगर्द को होश आ गया। निशानदेही पर दो मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। CTD और पुलिस का रात गए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, तहकीकत जारी। रमजान में खरीदारी जेब पर भारी। सब्जी, गोश्त, फल, खजूर सब पहुंच से दूर। केला 200 रुपए दर्जन, खरबूजा 200 और सेब 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। अंडों और चिकन के दाम भी आसमान पर, सस्ते बाजारों में भी महंगाई के डेरे। इफ्तारी कैसे होगी, हुकूमत कुछ तो सोचे, शहरियों की दुहाई। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। आज चांद नज़र आने का कवी इम्कान। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने पूरे मुल्क में एक ही दिन रोज़ा होने की नवीस सुना दी। और बलूचिस्तान में मूसाधार बारिशें, दालबंदीर में तबाही, सैलाबी पानी घरों में दाखिल, कच्चे मकान गिर गए। रेलवे से रेलवे ट्रैक मुतासर, पाक ईरान रेल सर्विस मुअत्तल हो गई। सूबे के बरसाती नालों में तुगयानी का खतरा। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी कल से तेज़ बारिश और बर्फबारी मुतवक्को।